तुम्हें कोई चीज छोड़ना नहीं है, उसकी जगह डिसाइड कर ली है। किसे भिखमंगे को अपने साथ मत बैठाओ, फिर भिखमंगे हो जाओ। राजा अ पर्सन ऑफ पावरफुल माइंड नरेंद्र मोदी। अब अच्छा राजा या बुरा वो एक अलग चीज है, पर आदमी का दिमाग बहुत ताकतवर है। हॉस्टल में दो दिन नवरात्र व्रत चल रहा था उस वक्त, अपने मन को मजबूत कर लो। बस ध्यान का मतलब मन को ही मैन बना देना कि बॉस जो हम चाहेंगे ना, यू विल नॉट कमांड मी, और करो सब कुछ। बड़ी पैराडॉक्सिकल बात है, इट्स वेरी पैराडॉक्सिकल। विश्वामित्र मत बनो, लड़की ने प्रपोज कर दिया, लेट गए, अरे ये हम गरीब आदमी मरो भाव। पर इसका मतलब ये नहीं किसी का प्रपोजल तुम प्रपोज करो, बड़े बड़े टारगेट बनाओ। इसका मतलब ये नहीं आप प्रपोज नहीं करना है, कि हम तो भैया ध्यान करते हैं लड़की नहीं देखेंगे। नहीं नहीं भैया, मानो मन क्या करना एक्सट्रीम पे चला जाता है। हम दारू नहीं पियेंगे, पियेंगे डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठ के, फिर कहना से कोई बात माफ नहीं चाहिए, पियेंगे मोदी जी के साथ पियेंगे। अरे भैया तुम दारू नहीं पीते, पीते हैं तो हमारे साथ पियो, तुम भिखमंगे तुम्हारे साथ क्यों पिए, यू एंजॉयेंगे वहां पिए, सूट पहनेंगे, वाइन लेंगे, फॉरेन डेलीगेट्स प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज उनके साथ बैठ के पी रहे हैं। तो हम बैंक में क्लर्क हैं, मारा झूठा निकाल के इतना। तुम्हें कोई चीज छोड़ना नहीं है, उसकी जगह डिसाइड करनी है। और राजा हो कभी मन करे तो अकेले पी लो, किसी भिखमंगे को अपने साथ मत बैठाओ, ये तो भिखमंगे हो जाओगे। दो बैग पी लोगे, सामने वाला बोल देगा कयामत होने वाली है, तुम्हारे मन में चली गई बात, अब वो तुम्हें पढ़ नहीं दे क्योंकि तुमको पता है कयामत हो रही है। किसी भिखमंगे को अपने साथ मत बैठाओ, दो तीन पैग पी लो, मुकुट लगाओ अपने कमरे से निकाल के, तलवार बांधो, म्यूजिक लगाओ, अपनी दोस्त लगाओ कि छाता लगा दे ऊपर जी, और शहनशाह चल रहे हैं ऐसे घर में, तीन चार राउंड मारो, वीडियो बनाओ। प्रैक्टिस करो फ्यूचर की। तुम डिप्रेस अपने कमरे में बैठे हो, वो भी जवानी में, जवानी में जैसे बुड्ढे बैठे होते हैं ना कमरे में, हिसाब लड़के बदतमीज़ मोहल्ले के, दिन भर शोर करते रहते, और तुम क्या कर रहे थे? यू सी द ओल्ड पीपल इन द सोसाइटी, दे हैव यू चिल्ड्रंस, दे कीप द आई ऑन द यंग पीपल। औरतें जा रही बन संवर के, ये जा रही लिपस्टिक लगा। कभी आप सोसाइटी में बुजुर्गों के साथ बैठो, आधा घंटा बैठो, देखो बच्चों को गाली देंगे, औरतों को बुराई करेंगे, और आदमी को गाली देंगे। बुजुर्गियत हो तो कलाम साहब जैसी, अन्ना हजारे जैसी, अन्ना हजारे तो बेचारे लूट गए थोड़ा सा। अभी दिल्ली मेट्रो का एक वीडियो है जिसमें एक बुढ़ी सी आंटी और एक पेयर को डांट रही थी, मेट्रो में बैठ के किस कर रहा था, बदतमीज कहेंगे। मैं उनका दर्द समझ सकता हूँ, कौन सा बना रखा है, बिगाड़ दिया पूरे समाज को। बुद्ध को तो नहीं फर्क पड़ता, बुद्ध वॉज मेडिटेटिंग लेट इन द नाइट, थ्री पीपल केम टू हिम रनिंग एंड सेड, हैव यू सीन अ वुमन रनिंग इन फ्रंट ऑफ यू, ही सेड लॉन्ग बैक आई यूज्ड टू सी वुमेन,
Now I don't see. They said the woman was naked. He said कि तब तो और भी नहीं दिखाई पड़ी होगी. मैंने तो स्त्री देखना बहुत पहले छोड़ दिया. उन्होंने ये नहीं कहा मैंने स्त्री कभी नहीं देखा. अगर वो ये कह देते तब तो फिर चोर साबित हो जाते. देखा ही होगा. एनी ह्यूमन बीइंग हु लिव्स ऑन सेंसेस, आपकी जन जीवन की शुरुआत ही आपके सेंसेस से होती है. आप कह ही नहीं सकते कि मैंने पुरुष नहीं देखा, मैंने स्त्री. आप कह ही नहीं सकते. अगर आप कह रहे हैं तो ठीक है भाई, मूर्ति बनाओ इनकी तुषार म्यूजियम में रखवाने के लिए. पर यह बहस नहीं किया जाता. राजा अ पर्सन ऑफ पावरफुल माइंड, नरेंद्र मोदी. अब अच्छा राजा या बुरा वो एक अलग चीज है, पर आदमी का दिमाग बहुत ताकतवर है. हाउस्टन में दो दिन नवरात्र व्रत चल रहा था उस वक्त. ही वॉज ऑन फास्ट, नवरात्रि फास्ट. ही टुक ओनली वार्म वाटर फॉर टू डेज, ओनली वार्म वाटर, नथिंग एल्स. ओनली वार्म वाटर फॉर कंटिन्यूअस टू डेज विद ऑल द मीटिंग्स एंड ऑल एवरीथिंग. यहाँ लोग नवरात्र व्रत रहते हैं, 3 किलो आलू सुबह ही फ्राई करके खा लेते हैं देसी घी में. क्या है भैया बड़ी अंधेरा छा रहा आपके सामने भीगने. दोपहर में 2-3 किलो फल खा लिए. शाम को कूटू के आटा की रोट पूड़ी बनाते हैं. अजीब ड्रामा है. आटा तो है, कूटू का है भैया, पता नहीं क्या वो कहते हैं उसको यहाँ. और खिचड़ी बनाते हैं किसी चीज़ की, साबूदाने की. एक चावल भी होता है कोई, हाँ अच्छा चावल होता है बाकायदा, तालाब में होता है वो. हाँ राइस जैसे बनता है. अच्छा आलू की सब्जी, चावल, इतना चावल आलू की सब्जी शाम को रात में डाल के नवरात व्रत है. सर मैंने हमेशा वही किया जो मुझे अच्छा लगता था, आज भी वही करता हूँ. मैं कई बार हारा, मुझे बहुत मज़ा आया, बड़ी बदनामी हुई, बड़ी हंसी उड़ाई लोगों ने, बड़ा मजाक उड़ाया. मैं पढ़ाने आया, हालांकि मैं एक्सीडेंटली आया, पर लोगों ने बड़ा मजाक उड़ाया. अरे भैया मास्टर साहब IAS बनाते हैं भैया. फिर जब 10-12 IAS मेरे घर पहुंच गए तब लोगों को लगा यार ये तो हैवी वेट आदमी है यार. मतलब मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, मैं अपने एरिया का एक अलग इंसान हूं. जिन लोगों ने कभी आपको पढ़ते ही नहीं देखा वो कैसे भी डीप कर लें कि आप IAS के स्टूडेंट को पढ़ाते हैं, वो नहीं मानेंगे. दे हैव नॉट सीन माई लाइफ इन इलाहाबाद. अब मैं इलाहाबाद में मैंने क्या किया ये किसी को पता नहीं था. अब मैं गोंडा में पैदा हुआ तो गोंडा के लोग जो बचपन से मुझे देखते आ रहे थे तो उनकी निगाह में मेरी एक पिक्चर है. क्या मेरे दोस्त हैं हरिओम तिवारी, तो एक बार मुझसे मिले वो, तो उन्होंने कहा कि देखो ओझा तू हमसे बताए तो सही सही कि तू कह रहा था. ही सेड टू मी कि यू टेल मी द ट्रूथ कि व्हाट एग्जैक्टली यू आर डूइंग. बचपन के दोस्त है साथ में, बचपन से. हमने कहा यार अब कहीं तू कसम खाओ कि तुम्हारा अफीम के धंधा नहीं है. बोला यू टेक द ओथ कि यू आर नॉट इन्वॉल्व इन ओपियम ट्रेड. हमने कहा थोड़ा सा हाँ कहीं यही बात कहीं हमें ना पढ़ाओ. यू आर सेइंग कि डोंट टीच मी. बचपन के दोस्त तो बंदा बिलीव करने को तैयार नहीं है. अरे फिर वो दिल्ली आए, मैं क्लास ले रहा था बाजीराम में, तो क्लास में करीब 1000 लड़के बैठे हुए थे. तो मैंने उनसे कहा कि पीछे वाले गेट से अंदर आना. कहे ना, तो व्हेन ही एंटर्ड फ्रॉम द बैक डोर ही सॉ द स्टूडेंट्स सिटिंग एंड आई वाज स्पीकिंग देयर ऑन द फ्रंट, ही रैन अवे फ्रॉम देयर. आफ्टर द क्लास व्हेन आई मेट हिम ही वाज सिटिंग, कहीं तोरे अंदर कोई और आत्मा घुस गए. He said some other soul has entered into your body.
ये गरीब आदमी, और ये बड़ा खुश रहता है जिंदगी भर कि भैया पैसा नहीं कमाए तो क्या हुआ, इज्जत तो है। कहाँ है दिखा? Few ask them about Bollywood actresses. 98 will abuse. क्या रहा है बॉलीवुड की हीरोइन है, इनका कोई कैरेक्टर है? तुम्हारा बड़ा कैरेक्टर है, चश्मे के अंदर से घूरते रहते हो। इसका पेन पता क्या है? ये समाज में तारीफ सुनना चाहता है बस। बहुत अच्छे, बहुत स्त्री देख लेते हैं, सर झुका लेते हैं डर के मारे। नहीं नहीं अरे डर के मारे थोड़ी, डर के मारे झुकाते हैं। इसने अपने लिए दुनिया में जगह बना रखी। थाईलैंड तो मिडिल क्लास वालों के लिए, साल भर ही लोग पैसा इकट्ठा करते हैं, 5,000 रुपया। तो फिर 1-1.5 लाख रुपया इकट्ठा करके थाईलैंड जाते हैं, कूदते फांदते नाचते हैं वहां, बियर रूपी के। एरिस्टोक्रेसी लास वेगास वगैरह जाती है, एमस्टरडैम, लास वेगास। 1 हफ्ते में 2 करोड़ रुपया खर्चा किया, ये तो 2 लाख रुपया पा जाए तो FD कर दे कि जब गुड़िया बड़ी होगी 20 साल की तो 2 लाख का 17 हो जाएगा, तो शादी करने में आसानी रहे। इसकी जिंदगी इससे ऊपर जाती ही नहीं, सबसिस्टेंस इकॉनमी से ऊपर नहीं आती।